में जा रहा है, संजू बाबा है, ये दुर्गेश भाई दीपू भाई, और ये तो भाई से अपना ही देखो जानते हैं। ये बातें बताई नहीं जाती है, नजर लग जाती है। अभी टाटे पहुंच गए और ट्रेन से उतर चुके भाई, तो अभी जा रहे हैं खंडवा के लिए पकड़ने के लिए। सारे लोगों में बोल ले लिया अपन ने, मजाक कर रहा हूं। देखो भाई ये है दादा टोली वाले का मंदिर। गेम विद द न्यू ब्लॉग गाइस, फिर से वापस आ चुके हैं न्यू ब्लॉग के साथ। गाइस आज का सीन ऐसा है कि थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ गए होंगे आप लोग कहाँ जा रहा हूँ। गाइस बता देता हूँ आप लोग को, तो मैं जा रहा हूँ अभी तो तीर तो तीन यात्रा है उज्जैन वाले सर है, तो वहाँ पर जाना है। तो यानी कि तीर को घूमने की बहुत इच्छा, तो चलते हैं वहाँ पर। और पहले तो खंडवा गए, तो अभी चलते हैं पराठी रेलवे स्टेशन और फटाफट चलते हैं, देरी करते हैं। और ये देखो ये है मेरा भाई, ये आ रहा है, दिख नहीं रहा होगा आपको, जा रहे हैं महादेव चौड़ा। और ये देखो ये भी है, तो फटाफट आई करते हैं, पैकिंग तो हो गई है फटाफट। ये देखो ये गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, दिख रही होगी आपको वो खड़ी गाड़ी, तो फटाफट चलते, देरी नहीं करते हैं, निकलते हैं जब तक देखो सिनेमैटिक। ये देखो ये पराठी रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तो ट्रेन आती है फिर चलते हुए। ये देखो सामने, ये देखो ये दो भाई नहीं आ रहे, ये लोग साथ में हैं, और ये साथ में जा रहा है संजू बाबा है, ये दुर्गेश भाई दीपू भाई, और ये दो भाई से अपना ये देखो जानते हो इनको, तो ट्रेन का वेट करते हैं, ट्रेन आती है फिर चलते हैं। अब इसका एक क्यों नहीं जल रहा है, एक ही क्यों जल रहा है, क्या लाइट पता नहीं यार क्यों नहीं जल रहा है। कहाँ जा रहे हो? घूमने। कहाँ? तो भैया आगे जाओ, ये बातें बताई नहीं जाती नजर लग जाती है। वाइज अभी मैं ट्रेन पे हूँ, देख रहा हूँ कितनी पब्लिक हो रखी है, देखो ट्रेन बैठ चुके हैं। और ये देखो ये दोस्त यहाँ यहाँ बैठा है, देखो तो भाई यहाँ पर देख सकते हो कितनी पब्लिक हो रखी है, देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही पब्लिक हो रखी है, ऊपर नीचे गई साइड साइड। और ये देखो ये मेरा दोस्त, मेरे को घोड़ा लंगरी में मिल चुका था बहुत देर के बाद। और देखो ये नीचे गई मोबाइल चला रहा है मेरे दोस्त, ये संजू क्या हो गया भाई। उसके बाद में पीछे हमको मिल जाते दो दोस्त, और वो भी छिंदवाड़ा के रहते लोग जा रहे थे उज्जैन भाई, सही। और हम लोग भी अच्छा जाने की बातचीत होती है, दोस्त वगैरह बन जाते हैं। उसके बाद मेरे को पीछे भी पब्लिक हो रखी है, सही है, बहुत खतरनाक ही पब्लिक हो रही है। देखो ऊपर ही भाई, वो अंकल ऊपर चेक रहे, सही है, कहाँ कहाँ चेक रहे, कहाँ कहाँ से पता ही नहीं चल रहा, देख रहे हो। ये देखो अभी टाटे पहुंच चुके हैं और ट्रेन तो उतर चुकी है, तो अभी जा रहे हैं खंडवा की ट्रेन पकड़ने के लिए। खंडवा की ट्रेन देखते हैं कितने टाइम पे, कितने टाइम पे, 14 मिनट, 6 बजे की ट्रेन है, तो 6 बजे तक के वो ट्रेन आएगी, तो फटाफट चलते। देखो वहाँ प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा साइड, तो अपन को उधर से उधर जाना है, तो उधर चलते फटाफट। भाई सीन ऐसा है कि अभी जा रहे हैं ऊपर फटाफट, देखो यहाँ से दिख रहा होगा, तो हमको जाना है वो ऊपर उधर जाना है, तो उधर जहाँ पे फटाफट चलते उधर ही, और वहीं पर मिलते हैं फटाफट। देखा क्या क्या दिखा रही है, कितने बजे की ट्रेन है? 6 बजे की। हाँ 6 बजे की, हाँ तो 6 बजे चल देंगे ना, 6 बजे तक के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 8 बजे तक के पहुँचा देगी वो। क्या वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 कहाँ? 6 नंबर प्लेटफॉर्म नंबर 6
प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे है क्या वो? दिखा रहे इसमें? हाँ फाइनली गाइस खंडवा पहुंच चुके हैं और गाइस आप यहां से गाइस ऑटो पकड़ते हैं फिर जाते हैं खंडवा धाम गाइस वहीं पे गाइस रूम लेते हैं और वहीं पे गाइस वहीं रहते हैं। तो फटाफट चलते हैं गाइस। ये देखो ये लोग यहां पे खड़े हैं। तो क्यों कहां चलना है? रूम ही जाए, रूम चलना है या फिर कल तो होटल चलना है? रूम चलना है भाई। हां ऐसा ही कि लोग होटल होटल बोल रहे हैं, नाश्ता करना है। तो गाइस फटाफट चलते हैं यहां से और ऑटो पकड़ के गाइस यहां से डायरेक्ट खंडवा धाम गाइस वहीं पे रूम लेके भाई उधर बाद में होटल जाते हैं। तो फटाफट चलते हैं ऑटो के साथ में। क्यों हो गया, थक गए क्या? बहुत ज्यादा। क्यों इशु, क्या हो गया? ट्रेन में बैठा के लेके आया गोदी में। खंडवा धाम, खंडवा धाम दादा दादा धाम। खंडवा पहुंच चुके गाइस फाइनली। गए तो आटो सब भी आया आपने, जैसे कि अभी सिनेमैटिक देखी और अभी बात बात भी चल रही थी भाई। और ये देखो भाई सामने भी देखो आरती चल रही है, देख सकते हो यहाँ पे दादाजी की भी आरती चल रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो भाई अभी फटाफट चलते गए तो रूम में आपने, आप पिछले बार भी आप लोग बाकी पिछले ब्लॉग में आके देखे होंगे आपने कि पिछले ब्लॉग में मैंने वहाँ पे जाके रूम लिया था। तो अभी भी वहीं जा रहे रूम लेने। तो फटाफट चलते और रूम लेते गाइस वहाँ से, जब तक के मिलते आगे। खंडवा पहुँच चुके देख सकते हो और गाइस यहाँ पे देखो इतने सारे रूम है, पूरे ले लिया अपन ने, मजाक कर रहा हूँ गाइस, पूरे रूम ले लिए, एक रूम मिला है हमको। तो गाइस बारात हो गई उस पर, तो उन्होंने बोले कि थोड़ा टाइम लगेगा, साफ सफाई करके मिल जाएगा। और फिर उसके बाद वगैरह नहाते आते फिर गाइस याद में फटाफट गाइस इसको भी पूजा करना जरूरी, तो पहले पूजा ही करेंगे नहा धोके, उसके बाद में फिर खाना खाएंगे। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे रूम वगैरह आपने भी पिछले साल भी देखे होंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि पिछले साल वाले ब्लॉग में भी गाइस आपने यही देखे होंगे, लेकिन उस पर कपड़े चेंज थे थोड़ा अलग था। तो अभी गाइस वहीं आ चुका हूँ। मेरा ऐसा है कि गाइस आप लोग जानते हो कि मेरे को पूजा वूजा मैं करता हूँ, ज़्यादातर आपको लगता है कि मैं टेम्पल वाले जो ब्लॉग बनाता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है गाइस, क्या पूजा पाठ करो उसमें अच्छा है, तो आप लोग भी पूजा करो तो क्या है अच्छा लगता है। तो इस वजह से क्या है अभी रूम में रहते हैं आपको जैसे कि बताया मैंने, तो उसके बाद में चलते हैं पूजा वूजा करते हैं, फिर गाइस मिलते हैं जब तक के रूम पे। तो कैसा क्या रूम चलते कि नहीं चलते? अभी रूम चल रहे ना, उनको बोलो डॉक्यूमेंट्स का बोल रहे हो। तो कितने बजे का बोल रहे? 10 बजे का। अरे तो भाई बहुत टाइम है दादा, 10 बजे का। 10 बजे देख ठीक है ना, तो अभी कितने बज रहे, टाइम कितना हो रहा है अभी? अरे अभी हो रहा 8:30 बज रहे, थोड़ा सा वेट कर लेते फिर चल लेंगे। अभी अब थोड़ा मुँह हाथ वगैरह धो लेते हैं, उसके बाद थोड़ी देर पर चल लेते हैं। सबसे ना हाँ तो गाइस ऐसा है कि अभी ये लोग देखो मोबाइल चला रहे हैं, मैं भी तो चलाऊंगा, मेरे को बहुत ज़्यादा एडिटिंग करना गाइस। आपने देखे ब्लॉग में मेरे को शुरू से लेकर आगे तक एडिटिंग कर ही रहा हूँ, अभी ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूँ, मैं चलते चलते एडिटिंग कर रहा हूँ, अभी भी बहुत करना एडिटिंग करना है। तो फटाफट चलते हैं अभी गाइस रूम पे और वेट करते, तो अभी रूम का फिर वेट करना पड़ेगा कि रूम में रूम मिलेगा, साफ सफाई होगी, तो जब थोड़ा जब तक वेट करते फिर चलते रूम पे गाइस। 1, 2, 3 और ये देखो अपन को रूम गाइस फाइनली मिल चुका, देख रहा है 19 नंबर का। और इसका इनकी गलती एंट्री कौन करेगा, नहीं कहते क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में,
ओपनिंग करेगा, गलते हमारा गलते इशू वही करेगा, ओपनिंग कीजिए इसको। और गाइस बहुत देर के बाद, गाइस फाइनली गाइस बहुत देर के बाद वेट कर रहे थे, और गाइस फाइनली अब जाके पूरा गई, उसने चाबी आबी ली, और बहुत ज़्यादा वो आधार कार्ड वगैरह मांगते ना एंट्री वगैरह के लिए, तो एंट्री वगैरह के लिए। और ये देखो गाइस, चेक आउट दिस गाइस, ये देखो फाइनली गाइस रूम मिल गया ये, और देखो 1 2 3 1 2 ये तो जानती नहीं, बहुत अच्छे से जानते। ये देखो इसका पूरा, आपको ये क्या बोलते हैं, पूरा वो दे देता हूँ आपको टूर। ये देखो ये देखो, ये टॉयलेट वगैरह है नहाने का, और ये ठीक है। अरे क्या भाई, ये तो झंडा है। और ये देखो, ये ऐसी नॉर्मल रूम वगैरह है, तो इतना ही है यहाँ पे, देख सकते हो इतना ही टूर है यहाँ का। देखो ये इतना ही टूर है, तो भाई अब यहीं पे करते फटाफट हम नहाते हैं, और मिलते हैं अब नहा के। 1 2 3 बूम। फाइनली देखो तैयार हो चुका हूँ, पूरा वैसा नहीं है कि देखो ये लोग भी तैयार हो चुके हैं, चश्मा इसमें क्यों लगा रहा, निकाल दे चश्मा। उसके बाद ये देखो, ये भी तैयार हो चुका है, तो ये देखो यहाँ पर मेरा देखो कितना शानदार लग रहा है, ये देखो अच्छा लग रहा ना। तो अब चलते हैं फटाफट, कहाँ पता है आपको पूजा करने जाना है, तो फटाफट लॉक करते हैं। तो गाइस अभी आ चुके हैं आगे, और ये देखो ये आगे आपको दिख रहा है ना, ये आश्रम, ये पूरा यहाँ पे जितना दिख रहा है पूरा भंडारा है, यहाँ पे भंडारा होता है, यहाँ पे दोपहर में समथिंग 11:30-12 बजे से भंडारा होता है, और रात में भी शायद 8 बजे से भंडारा स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पब्लिक देखो कितनी खतरनाक दिख रही है, देखो पूरी कार आ रही है, अभी गुरु पूर्णिमा चल रही है, सावन भी चलते, इस वजह से पूजा पाठ गई बहुत ज़्यादा, आप लोगों को पता है कि कैसे हो रही है, तो इस वजह से सब लोग आ रहे हैं। तो अपन चलते हैं फटाफट पहले मंदिर, और मंदिर में चले जाते दुकान, और दुकान से लेते हैं नारियल वगैरह प्रसाद वगैरह, तो चलते अब डायरेक्ट मिलते हैं दुकान में। अब अभी मंदिर आ चुके हैं, देखो तो ये है, और ये है दुकान, प्रसाद बना दो भैया, कितना एक एक नारियल का बना दो वाले, हाँ से पूरे सूखे नारियल है ना, 3 नारियल उठा लो वहाँ से पूरा, यानी कि अच्छा पूरा बना दो, कंप्लीट कर दो, अलग 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 वगैरह ले चुके, देखो ये प्रसाद ले लिए ना, चलो अब देखो भाई ये है दादा दूनी वाले का मंदिर, फटाफट चलते हैं। बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, इस वजह से गाइस क्या करें, तो मैंने गाइस नहीं पे गाइस मैं उसको बोला था, तो मैंने सिनेमैटिक गाइस शुरू करा, तो आपको कैसा लगा गाइस जरूर कमेंट में बताना गाइस। और ये देखो गाइस आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये दादाजी की, आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में भी देखे होंगे गाइस, ये दादाजी की गाड़ी आ रही है, तो ऐसी यहाँ पे गाइस बहुत सारी गाड़ी वगैरह है, जो दादाजी को शौक था, ये दादाजी के एक तौर से बताइए, दादाजी का एक तौर से म्यूजियम है, यानी कि उनका जो पुरानी चीज़ है तो वही है यहाँ पे गाइस। और ये देखो आगे भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आगे जा रहा हूँ, तो आगे भी दिख रहा है आपको मूल दर्शन, ये देखो ये दादाजी का बिस्तर आप देख सकते हैं, और ये गाइस दादाजी का मंदिर, देखो ये है रियल मंदिर गाइस दादाजी का, यानी कि यही है, तो उसको छोटे में बनाया है, ये देखो सीन करें। और ये देखो ये दादाजी के देखो कपड़े हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं कपड़े, फोटो वगैरह और भी चीज़ें देखो यहाँ पे आपने गाइस जैसे कि देखा आपने, मैंने आपको मंदिर दिखाया गाइस, और ये देखो गाइस ये गाइस मंदिर यहाँ सबको दिख रहा है, कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना, और आपको ये गाइस ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना,
और मिलता हूँ आपसे इसी नेक्स्ट पार्ट में गाइस, जब तक के लिए लाइक करें और सेकंड पार्ट का इंतजार करें, जब तक के लिए बाय बाय टेक केयर। और सेकंड पार्ट होगा ओम कालेश्वर का, तो जब तक के लिए बाय बाय टेक केयर, बाय बाय।